मुझे याद है कि आई में एक पेशेंट को हम कन्विंस कर रहे थे उसके बाप को कि आप इसके लिए ब्लड अरेंज करें यंग मैन था आपके काले कपड़े उसने पहने हुए थे सलीम नाम था उसका थर्टी फाइव फोर्टी तो उसे काला इरकान ही था और ब्लड वामिट्स हो रही थी तो उसके वालिद कह रहे थे कि नहीं मैं रेलवे से रिटायर्ड एक गार्ड हूँ और ये एक ही बेटा है और इसके बच्चे मैं पाल रहा हूँ ये पाँच साल में इसकी बीमारी में मैं सब लगा चुका हूँ मेरी पेंशन है आई हैव नथिंग हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान मुशरफ बे इस्लाम हो चुका है या और मुशर्रफ साहब आए थे तो उन्होंने इतफाक़ हॉस्पिटल को ना कोई बीस साल बिजली के बिल डाल दिए थे या पंद्रह साल के हमें यही बताया गया था तो हमारी सैलरीज भी बड़ी मुश्किल मिल रही थी बाकी जो इतफाक़ अस्पताल के मालिकान थे वो जद्दा उम्र करने चले गए थे मुशर्रफ साहब के आशीर्वाद से हमें पता पुता कुछ नहीं था तो पेशेंट्स भी इसी तरह आ जाते थे कि वहाँ से वो फ्री इलाज शायद हो जाएगा मियाँ शरीफ़ साहब कुछ लोगों का करते थे अब वो बात नहीं थी तो हमने मैं वो समझाने उसे खड़ा हुआ कि यार ये ब्लड तो फिर भी तुम ही नहीं लाना ना ब्लड नहीं किसी ने देना नहीं देना बहरहाल उसको नहीं माना तो मैंने कह दिया यार इस तरह तो ये मर जाएगा ब्लड के बगैर तो ब्लड तो लाना उसने कहा मरता है तो मर जाएगा एक बाप जिस तरह उसने कहा था मुझे आज तक याद है मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए तो एक जूनियर लेडी डॉक्टर साहबा खड़ी थी जो नहीं आई थी और मैं उन्हें जल्द ही फारिग करने वाला था क्योंकि मैं उनके काम से कुछ सेटिसफाइड नहीं था वो बस शोर बड़ी जल्दी सही डाल देती थी कि दिस पेशेंट इज़ सीरियस जो उनके फ्लोर पर होता था इसको आई में ले लें लेकिन बाकी अगर हम उन्हें कहते थे कि आपने नोट्स इधर डालने हैं इधर मेडिसिन लिखनी है वो इधर ही नोट्स डालती थी इधर ही मेडिसिन था वो अपनी जगह पे <laughs> एक अपनी एक टनकी में आप उसमें होती थी हाँ सा था उनका पता नहीं क्या था उन्होंने एकदम आगे बढ़ के और वो उस बंदे का पानी उठा के नस्ले का पानी भर था उसको पकड़ा उसने कहा आप आंखें बंद करें प्यार से तीन बार अल्लाह कह के, के पानी पी लें तो जो आप ये कह रही थी दुआ कराई हुई है वो तो मैंने कहा यार ये क्या कर रही है फालसूफ दे रही है उसको और ऊपर से डियर के मेरे मौजूदगी में मेरे जैसे सीनियर डॉक्टर क्यों इंटरफेयर कर रही है बच्ची बीच में और नहीं मैं उसे गुस्से से देख रहा हूँ कि इधर देखे तो मैं इशारा करूँ वो बंदे ने उसे कहा बाजी मुझे तो खून की उल्टियाँ आ रही है मेरे डॉक्टर साहब ने खाने पीने से मना किया उसने कहा मैं मैं भी डॉक्टर हूँ मैंने आपसे कहना ना कि इतने से पानी से कुछ नहीं होता आप लें उसने बाय फोर्स उसको एक किस्म का जैसे होता है ना खैर उसने किया जैसे दवा पिलाई जाती ही पिलाई है दवाई पिलाई उसने तो पता नहीं उसे दवाई के बजाय दुआ पिला पिलाई दुआ पिलाई अल्लाह ने कहा कि आंखें बंद करिए और जोर वो दोबारा जब कहे ना मॉडर्न सी खातून थी मैं वो लंबे से बाल खुले और के प्यार से तीन बार अल्लाह के दिल में जुबान नहीं हिलानी तो मॉडर्न भी, आला आला मुझे आला वो भी मेरे नज़दीक हाँ। इस्लाम के लिए भी उसको अबाया हाँ। पहनना चाहिए था हाँ, हाँ। खैर वो बंदा पानी इस तरह गिलास को देखी जाए बाद में भाजी ये जमजम हो गया तो मैं क्या यार ऐसे ही उसने लफ्ज़ बोले मैं क्या यार ये लेवर का पेशेंट जो होता है अब ये इसको शुरू हो गई है शुरू हो गई है सो ये काम स्टार्ट है मैं डॉक्टर साहब जरा मेरे ऑफिस में है ऑफिस में बुला के मैं लिथ्रॉल कर दें वो कि ये आप क्या कर रही थी और ये क्या है ये फालस होप है अभी ये मर जाएगा ना तो ये जुलूस बार निकालेंगे कि ये तो यहाँ पे फूका फाकी कर रहे थे इन्होंने इलाज ही नहीं किया इन्होंने ये नहीं किया अब देख रहे हैं उसका बाप तो कॉपरेट ही नहीं कर रहा हमारे साथ और आप उल्टा उसको ये लगी हुई है और ये बाद में हमारे खिलाफ जाएगी वो कहेंगे जी ये तो ऐसे पूरा वो आगे से कही जाएँ कि नहीं सर

अरे नहीं नहीं सर आप ना अगर किसी तरह सूरा रहमान मुझे इतना उसने कहा कि मुझे गुस्सा चढ़ गया मैं जूनियर डॉक्टर्स को ट्रेन करता था मैं किसकी ऐसी तैसी मेरा साथ ही घर था भाई को मैं फ़ोन किया मैं कहा यार जरा मेरा वॉक दे जा और कैसे ना सूरा रहमान की कहीं से ले कारी बासित की आवाज़ में अन ट्रांसलेटेड ट्रांसलेशन वाली वो भी आगे से हंस के मुझे कहता है खैर है कोई मिलाद कराने लगे वहीं से मैं कह यार तू मुझे दे, दे वो दे गया मैंने दे दी अगले दिन आया तो पता चला वो तो चले गए हैं तो मैंने कहा जी वॉक मैन दे गए उन्हें कहा जी वॉक मैन तो इधर कोई नहीं है मैंने फिर अपने दिल में अपने आपको गालियाँ शालियाँ दी कि तू पागल है उस वक्त गुस्से में घी है नया वॉक मैन था उस वक़्त सोनी का भाई लाया था स्विट्जरलैंड से खैर वो आठ दस दिन बाद दोनों बाप बेटा जिस तरह आए उन्होंने बताया कि जिसको भूख लग रही है इसके पखाने का कलर येलो है उसको ब्लड नहीं आ रहा मेरी मानने में नहीं आ रहा मैंने उसका नंबर लिया फिर

और किसी को होता है फर्क पड़ता है अच्छा आपने उसको लिटमस लिटमस टेस्ट टेस्ट पे लगा टेस्ट पे लगा लगा दिया दिया ठीक है वॉकमैन मैंने मुझे याद है छः सौ रुपए का वॉकमैन मिलता था चाइना का हाल रोड से तो मैंने पंद्रह बेड्स पे वो वॉकमैन रखवाए ठीक है।, अच्छा। है और नीचे में डिसेंट मेडिकल स्टोर वालों की अंदर शॉप होती थी उसमें कैसेट्स रखवाई टी डी के की अब वो पेशेंट जो नया आता था सिस्टर उन्हें लिख के दे रही थी वो वापस आके कई बार परेशान होकर डॉक्टर कह रहा होता था ये दवाइयाँ तो दी हैं इन्होंने कैसेट दी है ठीक है।, है उन्हें कहा है, ये कैसेट ये वो मन पड़ा आप इन्हें सुना रहमान सुनवाए किसी ने सुनवानी नहीं कुछ लोग ना सुनवा नहीं कुछ ने कहा ना हम तो ख़ुद ये तो पीर साहब हैं ये तो हाफिज़ साहब हैं ये तो ये हैं हम फोर्स किसी को नहीं करते थे या ये नॉन मुस्लिम है ठीक है ना सुने कुछ नॉन मुस्लिम सुनने पे तैयार हो गए तो इंतजामिया कुछ नहीं कहते हैं उसमें उसमें कोई कोई। वैसे कोई भी वहाँ एक इंतहाई फन्ने खां डॉक्टर था बदतमीज़ आदमी था मेरी <laughs> डॉक्टरी को लोग पसंद करते थे <laughs> आ, मेरे बारे में कहा जाता था उस वक्त कि डॉक्टर साहब की ड्यूटी में इसराइल नहीं आता ये मेरे जूनियर अमले लेकिन डॉक्टर साहब हैवी फुटेड हैं डॉक्टर साहब की ड्यूटी बड़ी टफ है जो सीरियस मरीज है इनकी ड्यूटी में आ है लेकिन ना सोता था ना सोने देता था ठीक है नाइट पे वो मेरा फार्मूला जूनियर्स को सिखाता था मैं कि जिस दिन जिस जिस नाइट में डॉक्टर्स होता है ना हॉस्पिटल में तो स्वीपर भी सो जाता तो जा है नर्सिस भी सो, सो जाते हैं सारे या सो, या सो, या सो जाते हैं तो आई सी यू में आप सो नहीं सकते मिनट मिनट सिचुएशन चेंज हो रही होती है तो मेरे सीनियर डॉक्टर्स भी प्रोफेसर मोज्म बेग मिर्ज़ा मेरे हेड थे प्रोफेसर यूनस शेख अल्लाह रसीब करे वो थे कयूम खान साहब थे तीन सीनियर नाम थे इन लोगों ने मुझे 100 परसेंट फ्री हैंड दिया होता था मैं उनके प्राइवेट पेशेंट्स पे सारी अपनी उल्टी सीधी मैनेजमेंट कर रहा होता था, था तो वो एक अल्लाह ने वो वक्त मेरे पे ले आया हुआ था कि वो अपने नियर एंड डियर वंस अपने फ़ादर या कुछ वो मेरे कहते तुम्हारी ड्यूटी में अगर है तो आई एम फीलिंग सेफ मैं घर जा रहा हूँ या जवेद ये देखो ये ठीक है ये मेरे सीनियर्स की मेरे साथ ठीक है।, है या ये तुम देख लेना ये ट्रीटमेंट डाल दो तो ये मैं काम उस कर रहा था तो वो दिमागी अच्छा उन लोगों को भी आपकी अपने मेंटल स्टेट का उन्होंने किस, किस सिर्फ उन यूनस को पता एक था। था। ही गाइडलाइन दी थी कि ये किसी को पता ना चले ये ना हो तुम्हारा प्रोफेशनियर जॉब ना मिले पूरा खराब जाएगा तो अब तुम ना पाकिस्तान से बाहर ना जाना टेस्ट होंगे तो मैं अब बिल्कुल चुप था ठीक है और अब अपनी मैं वो एक नम एंड डम स्टेट में था यू जस्ट कि यार अब है मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया उसमें हां हा। और अब मैं अपनी लाइफ गुजार रहा हूं उस लाइफ में मैं उतना ही हीस्ट था अपने काम में काम में ठीक है डीप इनसाइड समझता हूं कि शायद वो डिप्रेशन था क्या था मुझे नहीं पता कोई थी मैंने 20 केजी वेट लूज किया था 2 साल में बीस के जी वेट लूज किया था मुझे हल्का सा फीवर शाम को रहना शुरू हो गया था लेकिन मैं कुछ ना टेस्ट करता था ना कुछ करता था बस आई वाज लिविंग विद इट कि मेरा अल्लाह मालिक है इसे ऐसे कह तो वो या मजबूरी का अल्लाह मालिक था ना? तो ऑप्शन नहीं है जब जहाज कर रहा होता है ना वो एथिस भी लगा था वो माई गार्ड हो उसका सारों को याद आया सारी ऑप्शंस जितनी आपके पास अवेलेबल थी वो, वो आपने आज पा ली मेरा और मेरा इलम मुझे कह रहा था कि यू हैव टू डाई ठीक है ना तो अब ये मैंने बताना शुरू कर दिया कुछ पेशेंट्स भी अजीबो गरीब खुद नहीं किया खुद नहीं किया ठीक है